हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सिलाई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं ये बीब, अगर ऐसा ही बीब आप सब बनाना चाहते हैं तो फिर चलिए मैं आप सबको सिखा देती हूँ। मैंने इसका ड्राफ्टिंग और पेपर कटिंग बताया हुआ है, ये मैंने सेंटीमीटर में कट किया है। इसको मैं आज कपड़े पर इंच में बताऊँगी, तो फिर चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड कपड़ा लिया हुआ है जो कि मेजरमेंट के हिसाब से लेंथ है इसकी 8 और चेस्ट है 20। 20 को मैंने 4 से डिवाइड किया है, मतलब भाग दिया है, उसका 5 आया तो मैंने 5 चेस्ट पर रखा हुआ है। गले के लिए मैंने 1.5 और गले की गहराई के लिए मैंने 2.5 लिया है। फिर वहाँ से मैं गले का शेप बना दूँगी। मैंने बिब की ड्राफ्टिंग और पेपर कटिंग वीडियो शेयर की हुई है अपनी चैनल पर, तो अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप सिलाई सीख रही हैं तो आप पेपर कटिंग और ड्राफ्टिंग का भी फाइल तैयार कर लेती हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने शेप जो बनाया था उसको कट कर दिया है और गले के शेप पर भी मैं कट लगा कर गले का शेप बना लूँगी। ये देखिए मेरा कंप्लीट तैयार है, ऐसे ही सेम आपको करना है। और मैं यहाँ पर मैंने ये फोम लिया हुआ है, ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। वहाँ पर आप बीप का जो कटिंग की है उसको रख निशान लगा कर फोम को भी सेम कटिंग कर लेना है जैसे मैंने किया। फिर उसको कट कर जैसे बीप की कटिंग है सेम वैसे कट कर लेनी है। सबसे पहले एक फोल्ड का कपड़ा नीचे रखेंगे, उसके ऊपर फिर मैं फोम रख दूंगी। फिर जो सेकंड है बीप का कटिंग उसको भी हम उसी पर रख देंगे। फिर मैं गले से सिलाई करते हुए पूरे जगह सिलाई चला दूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, सिलाई चला लेते हैं। ये बीप बनाना बहुत ही आसान है। जो घर में छोटे छोटे बच्चे होते तो उनको दूध पिलाते हैं जब सारे लोग, तो उनके कपड़े पर दूध गिर जाता है तो उसके यूज़ में आता है। तो अगर आप दूध पिलाते समय इसको उनके गले में बांध देते हैं बच्चों के, तो वो दूध कपड़े पर नहीं गिरता और ये इस पर गिर जाता है। ईज़िली इसको हटा कर इसको रिमूव कर सकती हैं, बच्चे का कपड़ा भी गंदा नहीं होता। तो फिर चलिए, मेरा ये कंप्लीट हो गया है। मैंने जो साइड में फोम बचा था उसको भी मैंने कट कर क्लीन कर लिया है। सेम आपको भी करते चलना है। फिर मैं एक कपड़ा लूँगी, उसको तिरछी पट्टी मैं कट कर लूँगी। फिर जो छोटा छोटा अगर है आपके साथ पास तो उसको जोड़ लेंगी। जोड़ने के बाद उसको आपको विप के ऊपर लगाना है। ये मैंने जोड़ा हुआ है, देखिए जोड़ लिया। अगर फिनिशिंग अच्छे से नहीं आई है, मतलब कपड़ा इधर उधर, तो उसको थोड़ा थोड़ा छट कर लेंगी। जोड़ने में थोड़ा सा पॉइंट निकला होता है तो उसको आप कट कर लें। तो चलिए फिर मैं शुरू कर लेती हूँ। सबसे पहले ये गले के पास आप लगाएंगी जैसे मैं लगा रही हूँ। गले पर आने के बाद आप उसको कट कर निकाल लेंगे। फिर वहाँ पर राउंड होता है तो वहाँ पर छोटा छोटा कट कर देने से वो फोल्ड अच्छे से हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है तो आप उसको कट कर निकाल लें। फिर मैं यहाँ पर जैसे एक फोल्ड करने के बाद फिर सेकंड फोल्ड करूँगी, मतलब तो वहाँ पर एक पाइपिंग जैसा बन जाएगा। देखिए ऐसे ही आपको भी ऐसे ही करना है। पाइपिंग बनाने के बाद देखिए पाइपिंग बन जाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा, गोल गोल एकदम पाइपिंग आएगी आपका। तो ये देखिए, मैं चलिए फिर बना लेती हूँ। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही और भी ढेर सारी हुनर वाली वीडियो लेकर के आऊँगी। ये देखिए, मैंने गले पर पाइपिंग कश बना लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम वहाँ से कट कर निकाल देंगे। फिर एकदम फिनिशिंग के साथ आपकी ये जो बेबी बीब है बन कर करके तैयार होगी। देखिए चलिए, फिर जो मेरा थोड़ा सा और पाइपिंग का जो मैंने कट करा था वो बचा हुआ है, फिर मैं इसको बीच में से फोल्ड करते हुए एक निशान लगाऊँगी और फिर मैं बीप को भी फोल्ड करके वहाँ निशान लगा लूँगी। फिर निशान के बीच में रखते हुए जैसे मैंने गले पर पाइपिंग बनाया सेम आपको पाइपिंग बनाते चलना है। मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप सबको सिलाई सीखना है तो और ड्राफ्टिंग के साथ फाइल कंप्लीट करते हुए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं फाइल के साथ आपको दिखाऊंगी ताकि आपको अगर कभी
ज़रूरत पड़े तो वो फाइल का यूज़ कर कर आप देख सक कर, कभी कुछ भूल जाते हैं तो उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखी सिलाई का कोर्स पूरा हो जाता है, फाइल कंप्लीट है, तो फाइल ज़रूर बनानी चाहिए सिलाई के कोर्स में अगर आप कर रही हैं तो। तो मैं फ़ाइल भी बनाती हूँ और पेपर कटिंग भी दिखाती हूँ साथ में, और उसके बाद मैं उसको सिल कर भी आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप सबको सिलाई अच्छे से सीखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मेरा विब में पाइपिंग लग करके पूरी अच्छी तरीके से तैयार है। फिर यहाँ पर अब मैं जो ऊपर का पॉइंट है बांधने वाला, वहाँ पर मैं जो थोड़ा सा लटकन सेट में लगा दूँगी शेप में, ये देखिए मैंने कट किया, फिर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ जिससे ये और भी खूबसूरत लगेगा। मैंने जो जिस कपड़े से विब की शेप दिया है सेम ऐसे उसी कपड़े का बना रही है। आप चाहे तो जिस कलर का डोरी लगाई है मतलब पाइपिंग बनाई है उससे भी आप बना सकती हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कट कर दूँगी ताकि ये उल्टा है तो सीधा होने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से सीधी हो जाए। देखिए मैंने दोनों साइड लगा करके अच्छे से तैयार कर लिया है। अगर आप सबको मेरी वीडियो लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आके आने की कोशिश करूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।